सो निकी और कामिनी का फिर से होने लगा देवरानी जेठानी वॉर। एक्चुअली में द थिंग वॉज कि ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं इकट्ठे इन सारी चीजों का वीडियो बनाऊँ, तो 2-3 दिन मैंने वेट किया, सारी चीजों को समझा अच्छे तरीके से और फाइनली जो कंक्लूजन मेरे सामने आया वो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कि देखो ऑलमोस्ट हम ये देख सकते हैं कि जो निक्की और कामिनी है उन दोनों के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। पहले लगता था कि भाई भाई में तो बात होती होगी, पर निक्की के कामिनी के वीडियो से जिस तरीके से आके उन लोगों ने रिप्लाई दिया कामिनी और उनके हस्बैंड, उससे साफ साफ पता चल गया कि भाई भाई के भी रिश्ते अब नहीं रहे हैं, भाई भाई की भी एक दूसरे से बात नहीं होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स के ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आप लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट वहां से हुई जब निक्की के हस्बैंड ने कुछ फीमेल हेटर्स को कहा था कि आओ मिलो सामने से मैं अपनी मर्दानगी दिखाता हूं। तो देखो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के वर्ड्स एक अब्यूजिंग लैंग्वेज में आता है जो कि आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ये अभी भी आपको इस तरीके के वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, पर इस तरीके के वर्ड्स यूज करने से ना लोग आपको फिर से वो पहले जमाने वाला वो करने लगेंगे कि टिपिकल स्लैंग है, बिहार का है ना, बिहारी है। तो वही सारी चीजें हैं जो आपके क्या बोलते हैं कॉमेंट बॉक्स में भी इसी तरह की चीजें आपके लिए आ चुकी हैं, जो कि बहुत खराब बात है क्योंकि आप इस तरीके के लैंग्वेज या मतलब आप मर्द की बात कैसे कर सकते हैं किसी के लिए। अगर आप किसी के मर्दानगी दिखाने की बात करते हैं तो इस इंसान के घर में भी मर्द होते होंगे ना, वो उसके उस पर्टिकुलर हेटर्स जिस पे भी आपने रिप्लाई किया फीमेल्स हेटर पे, उसके घर में भी मर्द हैं, क्या वो आपको अपनी मर्दानगी नहीं दिखा सकते आपके घर में। और पते की बात तो ये है, मुझे ताजुब और शॉकिंग इस चीज पे हुई कि जो उनकी वाइफ है निक्की वहां पे बैठ के हंस रही थी, मतलब टिपिकल स्लैंग वाली सारी चीजें। मीन्स यार सही बोलते हैं बिहार में ज्यादा गाली गलौज की लैंग्वेजेस यूज होते हैं, पर यार अगर गाली गलौज के लैंग्वेजेस यूज होते हैं तो आप अपने अंदर रखे, बैक कैमरा रखे, आप ऑन कैमरा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप हमेशा अपने पति को लाके बातें करवाती हैं, सामने वाला कोई भी पर्सन अपने हस्बैंड को बिठा के बात नहीं करता। लेकिन जो निक्की हैं अपने हस्बैंड के साथ बात करती हैं और इनके हस्बैंड वो सारी चीजें बोलते हैं जो निक्की नहीं बोल पाती हैं। तो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप इस तरीके के मैसेजेस पहुंचाते हैं। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि निक्की को 7 लाख का घमंड हो गया है क्योंकि वो अपनी यू नो जेठानी से बहुत ज्यादा आगे हैं, उनके 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इस बात का उनको घमंड है। तो देखिए सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं आपके व्यवहार से, आपकी पॉजिटिविटी से। अगर आप नेगेटिविटी दिखाएंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो ये जो सब्सक्राइबर्स आपने गेन करे हैं ये भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर्स इस तरीके के लोगों का तुच्छ लैंग्वेज सुनना और बियॉन्ड द लिमिट जाके बातें करना कभी नहीं पसंद करेगा कि आप किसी एक फीमेल पे इस तरीके के ब्लेम, इस तरीके की गालियां, ये एक बहुत बड़ी गाली में आती है। उसके बाद बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स थे निकी के कमेंट बॉक्स में जाके, जो कामिनी के कमेंट बॉक्स में जाके कहने लगे थे कि ये कामिनी के लिए बोला है, कामिनी के लिए बोला है। तो कामिनी आई और कामिनी ने बताया कि ये मेरे लिए नहीं बोला है, लेकिन ये जिस तरीके की बातें हैं ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने भी इस बातों का अगेंस्ट यू नो अगेंस्ट में सपोर्ट लिया कामिनी ने। देखो हमें बहुत पहले से पता है कामिनी एक बिहेवियर की बहुत अच्छी औरत है, काफी समझदार लेडी है, और उन्होंने जहां तक हम देखा जाए इतने टाइम से वो ब्लॉगिंग कर रही है, पर उनके हस्बैंड बहुत कभी कभार आते हैं वीडियोस में, ज्यादा उनके हस्बैंड आना पसंद नहीं करते। वहीं निक्की के हस्बैंड हमेशा ही आते रहते हैं निक्की के सपोर्ट में, और कामिनी जो है वो अकेले अपना ब्लॉगिंग ज्यादातर करती हुई दिखती आई हैं अपने एक दो वीडियोस में। अभी भी रिप्लाई में वो अकेले आके बोली हैं उनके हस्बैंड ने उनका ज्यादा यू नो सपोर्ट वगैरह नहीं किया है। इससे पता चलता है कि जो हमारी निक्की हैं उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत है और ये सारी बातें करने कराने के लिए, इट डिपेंड्स राइट। तो ये सारी वॉर देखकर तो एक बात समझ में आ गई है कि जो देवरानी जेठानी है, भाई भाई है, इन दोनों के रिश्ते किस प्रकार के हो गए हैं और अभी किस तरह के चल रहे हैं। चलो एक टाइम आया, अच्छा कुछ उसके रिप्लाई में जब कामिनी ने कहा कि ये सारी चीजें एब्सर्ड है, नहीं बोलना चाहिए,
तो इसके रिप्लाई में फिर मैडम निक्की जो है अपने हस्बैंड के साथ आ गई और लगी बातों को क्लैरिफाई करने की। मर्दानगी, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मर्दानगी मतलब कुछ और ही थोड़ी होता है, बहुत सारी तरीके की चीजें। भाई आप बता दो अब क्या तरीके की चीजें होती है जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने इस तरीके की बातें बोली, नहीं बोली जाती है, ठीक है। और आप इसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कुछ हेटर्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी तो बर्दाश्त के लायक नहीं है, इसीलिए एक ना एक दिन ये सारा गुस्सा फूटना ही था, है ना। तो इस तरीके से गुस्सा फूटेगा कि आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। क्या वो फीमेल्स, जहां तक मुझे पता है फीमेल्स हेटर कभी गाली नहीं देती हैं, क्या वो फीमेल्स हेटर ने आपको गाली दी थी? अगर वो फीमेल्स हेटर ने आपको गाली गलौज किया होगा ना, तो मे बी वो कोई फेक आईडीज होती है, क्योंकि मैक्सिमम 99% जो लोग आपको देख रहे हैं ना वो घरेलू लोग हैं, महिलाएं हैं, और महिलाएं गाली गलौज पे नहीं उतरती हैं, क्योंकि यार वो क्यों गाली गलौज देंगी। तो इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि शायद कितनी सच है हमारी ऑडियंस को पता चल रही होगी, क्योंकि इन सारी चीजों को एक बार तो बोल लिया। देखो कभी कभी भावनाओं में इंसान आगे कुछ भी बोल जाता है, जो कि निक्की के हस्बैंड बोल गए। नो डाउट ही इज वेरी मैच्योर, पढ़े लिखे, समझदार है, पर फिर भी कुछ बातें गुस्से में इंसान से निकल जाती है जो कि उन्होंने निकाली, और निकाली भी तो बहुत बड़ी बात निकाली जिसकी बहुत बड़ी मीनिंग है, जो कि एकदम बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो उसके क्लैरिफिकेशन देते हुए दोबारा इन लोगों ने सारी बातें बोली। अब बच्चों को घसीटा, बच्चों को घसीटा, बार बार निक्की ये कार्ड प्ले करती है। देखो बच्चों के बारे में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बोलता होगा, वो कोई भी कमेंट्स मुझे आपके जो कमेंट सेक्शन है ना उस पर नहीं पढ़े थे। अगर आपको लगता है कि बच्चों के बारे में किसी ने बोला है, अगर आप कह रही हैं, तो प्लीज वो स्क्रीनशॉट टैग कर देना आप, अगर नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाओ तो, ताकि हमें पता चले कि हाँ बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि अगर बच्चों के बारे में बोला जाएगा कुछ भी तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। बच्चों के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए यार, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, वो नादान होते हैं, तो बच्चों के बारे में बोलना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। एंड आई होप हमारी ऑडियंस जितनी भी देखती हैं आपको, सारे के सारे यू नो घरेलू महिलाएं होती हैं, शादीशुदा, यंगस्टर्स वाले कंटेंट आपके होते नहीं है, तो यंगस्टर्स वाले ज्यादातर आपके जो होंगे यू नो सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। तो जो घरेलू महिलाएं देखती हैं उनके घर में भी बाल बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं लगता कि किसी को बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहिए। अच्छा तो हमारी निक्की ने इनडायरेक्ट वे में ये भी बोल दिया कि रोना, विक्टिम कार्ड प्ले करना मुझे मतलब, देखो निक्की ने बहुत टाइम, जो हमारी कामिनी है उन्होंने बोला है कि बहुत टाइम तक इनडायरेक्टली कि बहुत टाइम तक निक्की ने विक्टिम कार्ड प्ले किया है रोने धोने का। कामिनी ने ये तक बताया कि मैं तो बहुत कुछ टाइम पहले आई हूँ यूट्यूब पे, इससे पहले मेरे साथ बहुत सारी चीजें थी, चाहती तो मैं उन सारी चीजों को यूज करके सेम्पथी कार्ड खेल सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं करना है ये सब। देखो जो कामिनी है वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर लगती है मुझे, बहुत ज्यादा समझदार लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि निक्की को अपने फैमिली बैकग्राउंड का घमंड है, अपने पैसे का घमंड है, और जो कामिनी है वो बहुत ज्यादा डिसेंट है, बहुत ज्यादा यू नो उनका बिहेवियर अच्छा है। तो देखो मैं एक बात बताती हूँ, पैसे का घमंड, लेन देन, ये सब काम नहीं आता है। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपका व्यवहार आपके काम आता है। तो अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को आप क्या इस तरीके की शिक्षाएं देंगे, क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगी, अगर आप अपना लैंग्वेज ही अच्छे से नहीं रखेंगी, अपना बिहेवियर अच्छे से नहीं रखेंगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान देते रहिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।